hello children today we are going to study about the respiration and respiration is included in the chapter number 1 life processes part 2 so let's we discuss about the respiration what is the respiration uh, here we see in this flow diagram flow chart the respiration is the process in which it includes the two types of process that is simple respiration which is through the nasal cavity and the thoracic cavity in which the intercostal muscles are involved and then the simple air exhale and goes into the lungs and then uh, due to uh, through the lungs the exchange of uh, oxygen and carbon dioxide takes place and intake of oxygen or exhale of carbon dioxide which again exhale through our nasal cavity okay दिस इज़ अ सिंपल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग इट मीन्स बच्चों रिस्परेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ब्रीदिंग और अगर हम कहें सेलुलर लेवल पर ऑक्सीडेशन ऑफ फूड और ग्लूकोज तो इन दोनों को मिला के हम रिस्परेशन प्रोसेस बोल सकते हैं कि रिस्परेशन प्रोसेस इंक्लूड्स सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस इट मीन्स एक्सहेल और इन्हील ऑफ द एयर Through the nasal passage or respiratory tract, and when it this air is goes uh, into the our lungs and intake of oxygen takes place in our body, and on the cellular level, it goes into the cellular level and oxygen reacts with the uh, glucose which which intake by our food, and then is this glucose uh, changes convert into the pyruvic acid or uh, in the presence of oxygen or in the absence of oxygen uh, here both uh, process takes place and after oxidation of food we get carbon dioxide and water or energy that is called as respiration process so uh, if we simply uh, take the respiration process then we see दैट इट इन्वॉल्व द सिंपल प्रोसेस ऑफ ब्रीदिंग बच्चों यहाँ पर एक देखो सबसे पहले क्या है कि रिस्परेशन में दो प्रोसेस इंक्लूड है एक सिंपल रिस्परेशन और एक सेलुलर रिस्परेशन सबसे पहले हम सिंपल रिस्परेशन की बात करेंगे सिंपल रिस्परेशन में क्या होता है कि जैसे मान लीजिए हम मैंने ये आपको देखे एक डाइग्राम दिखा दिखाती हूँ आपने क्या किया कि सिंपल एक्सप्रेशन में नाक के थ्रू हवा को अंदर खींचा अंदर खींचने के बाद क्या हुआ वो ऑक्सीजन जो है आपके नेजल पैसेज के थ्रू नेजल कैविटी में आई फिर पक्कल कैविटी इधर से होते हुए नीचे की तरफ जाएगी यहाँ पर होगा ट्रैकिया ट्रैकिया से होते हुए कहाँ जाएगी ये ट्रैकिया से होते हुए सीधे जाएगी ब्रोंकस में ब्रोंकस फिर अगेन डिवाइडेड होता है ब्रोंकाई में ब्रोंकाई एलविलोज में छोटे छोटे एयर स्पेसेस में डिवाइड होते हैं फिर ये सीधे यहाँ पर से एयर जो है वो लंग्स में आ जाती है ओके लंग्स में जब ये एयर आती है तो उससे पहले जब हम हवा को खींचते हैं तो यहाँ पर जो रिब्स है रिब्स के बीच बीच में इंटरकोस्टल मसल्स होती हैं ये दो टाइप की होती हैं एक इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स और एक एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स जब हम हवा को ऊपर से खींचते हैं निज़ल कैविटी से तो यहाँ पर क्या होता है नीचे की तरफ़ होता है यहाँ पर डाया तो हम जैसे सांस को अंदर की तरफ खींचेंगे तो डाया जो होगा ये ऊपर की तरफ खींच जाएगा और खींचने से क्या होता है कि यहाँ पर जो एयर पैसेज कैविटी होती है ये बढ़ जाती है बढ़ने से क्या फ़र्क पड़ा कि इसके अंदर लंग्स ऊपर से निदल कैविटी से होते हुए यहाँ पर भर जाती है आकर के ठीक है अब ये एलवेलोइज़ में आ गई एयर तो एयर में ऑक्सीजन प्रेजेंट है तो ये ऑक्सीजन हमें क्या करती है ये एल्वीलोइज़ में जा कर के वहाँ पर बहुत ही महीन एकदम थिन टिश्यूज़ होते हैं वहाँ पर ब्लड इन्वॉल्व होता है तो वहाँ से ऑक्सीजन हमारा ब्लड ले लेता है और बदले में अपने ब्लड के अंदर घुली हुई कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर दे देता है फिर ये बाहर वाली एयर में जब कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो वही कार्बन डाइऑक्साइड अगेन एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल्स काम करती हैं और अब की बाद क्या होता है डैफ फिर रिलैक्स हो जाता है रिलैक्स होने से क्या होता है यहाँ का जो एयरी स्पेस है उसका वॉल्यूम थोड़ा सी कैटी का कम होता है और इससे क्या होगा कि जब इसका वॉल्यूम कम होगा तो यहाँ से एयर खींच के फिर अगेन ऊपर की तरफ निज़ल कैविटी में आ जाएगी और फिर हमारी हवा जो है उसमें कार्बन डाइऑक्साइड होती है और वो बाहर निकाल जाती है तो सिंपल इन्हीशन ऑफ़ द एयर एंड एक्सहेलेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड दैट इज़ ओनली कॉल्ड एज ब्रीदिंग प्रोसेस मतलब uh, कि हम स्वच्छ हवा को अंदर लेते हैं और उसके बाद वो लंग्स के थ्रू कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो एयर होती है वो बाहर निकल जाती है ठीक है तो हवा का अंदर खींचना और उसको फिर अगेन बाहर निकाल देना वो क्या है सिंपल ब्रीदिंग प्रोसेस या रेस्पिरेशन का एक फॉर्म है ठीक है अब जब ये प्रोसेस जो आपको ब्रीदिंग का समझ में आ गया होगा अब हम देखते हैं बच्चों कि यहाँ तक तो देखो ब्रीदिंग है जैसे मैंने आपको कहा सिंपल रेस्पिरेशन थ्रू नेजल कैविटी यानी कि आपके नेजल कैविटी में आई थोड़ा सी कैविटी इंटरकॉशिकल मसल्स काम करेंगी फिर लंग्स में जाएगी वहाँ से एलवी से होते हुए हमने ऑक्सीजन का इंटेक किया और एक्सहेल कर दिया किसका कार्बन डाइऑक्साइड का अब दूसरी बात है कि ब्रीदिंग में जो हमारे अंदर एयर आ गई है वो सेलुलर लेवल पर कैसे काम करती है तो ये बहुत सिंपल है बच्चों जो हम खाना इंटेक करते हैं तो उसमें होता है फूड में ग्लूकोज तो ये जितनी भी हमारी जो अंदर हवा खींची हुई है उसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन क्या करती है वो हमारे ग्लूकोज पर काम करती है अब ये ग्लूकोज पर काम करेगी तो ये ग्लूकोज पर काम करने के बाद सेलुलर लेवल पर उसको किस में चेंज कर देगी पायरोविक एसिड या पायरोट में ओके अब जब पायरोविक एसिड या पायरोट हो जाता है बन जाता है तो ये भी दो फॉर्म में काम करता है यानी कि अगर हमारे अंदर ऑक्सीजन प्रेजेंट है तब कैसे काम करेगा और उन चीज लोगों में जहाँ पर ऑक्सीजन की एब्सेंस होती तब कैसे काम करता है तो देखो पहले मैं बात करूंगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस है तो उसको क्या बोलेंगे एरोबिक रिस्पिरेशन इसमें क्या होता है और कि जो सेलुलर लेवल पे ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन यानी की ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलती है अब इस ग्लूकोज से ऑक्सीजन मिलेगी तो ये क्या बना देगी पायरुविक एसिड या पायरुवेट अब ये पायरुवेट पे अगेन ऑक्सीजन काम करेगी और तो उसमें क्या होगा पायरोविक एसिड से ऑक्सीजन जुड़ेगी तो ये क्या बना देगी कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगी वाटर बनाएगी और एनर्जी प्रोड्यूस करेगी और उस समय एरोबिक रेस्पिरेशन में सबसे ज्यादा एनर्जी निकलती है और ये सारा काम जो एरोबिक रेस्पिरेशन का होता है वो कहाँ हो रहा है हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर तो के फॉर्म में एनर्जी रिलीज होती है और वो के फॉर्म में जो एनर्जी बनती है वो कितनी होती है सिक्स किलो कैलोरी एनर्जी ओके तो इस तरीके से हमने देखा कि जो केमिकल रिएक्शन हम देंगे एरोबिक रिस्परेशन का सेलुलर लेवल पर तो कैसे देंगे कि ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन काम कर रही का है ये ग्लूकोज का फार्मूला है ठीक है बच्चों इस ग्लूकोज पे ऑक्सीजन ने काम किया तो क्या बनाया कार्बन डाइऑक्साइड वाटर एंड एनर्जी और कितनी 673 किलो कैलोरी एनर्जी ओके ये जो मैंने आपको यहाँ पर दिख के दिखाया था ना वही सेम टू सेम इतनी एनर्जी यहाँ पे निकलेगी ठीक ये तो हो गया हमारे पास इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन अब दूसरा आता है कि ऑक्सीडेशन ऑफ फूड जो है ये ग्लूकोज ये दूसरे टाइप में भी होता है वो कब होता है इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जब ऑक्सीजन नहीं हो अगर ऑक्सीजन नहीं होगी तो कैसे होगा रिस्पिरेशन? देखिए जब ऑक्सीजन नहीं होगी तो उस समय का रिस्परेशन कहलाता है एनारोबिक रिस्पिरेशन एनारोबिक रिस्पिरेशन में क्या होता है वेन द ऑक्सीडेशन ऑफ फूड टेक्स प्लेस बट द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन इस समय क्या होता है ये भी दो फॉर्म में होता है एक तो होता है फंगस एक टाइप की होती है जिसको बोलते हैं ईस्ट तो ईस्ट में क्या होता है कि ईस्ट में ग्लूकोज जो होता है उसके ऊपर ऑक्सीजन काम नहीं करती सीधे सीधे ग्लूकोज जो है वो पाइरूवेट में चेंज हो गया अब पायरुवेट या पायरुविक एसिड के बाद इसके ऊपर क्या काम करेगा ये पायरुवेट अगेन चेंज हो जाएगा इन द एबसेंस ऑफ ऑक्सीजन फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू कौन सा प्रोसेस होगा यहाँ पे फर्मेंटेशन प्रोसेस और ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर जो ग्लूकोज है उससे बनेगा इथेनॉल सी टू एच फाइव यानी कि इसको बोलेंगे अल्कोहल तो अल्कोहल इथेनॉल यहाँ पे प्रोड्यूस हो जाएगा प्लस कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी प्लस यहाँ एनर्जी निकलेगी लेकिन ये एनर्जी कम होगी वो कितनी होगी केवल ट्वेंटी वन किलो कैलोरी एनर्जी निकलेगी ओके okay? अब ये तो ये हो गया ईस्ट में या फिर टाइप की फंगस होती है ये फंगस होती है बच्चों एक टाइप की है ना इसमें ऐसा होता है और दूसरा कहाँ पर होता है दूसरा होता है हमारी मस्कुलर सेल्स में मस्कुलर सेल्स में क्या होता है जो हमारे अंदर का ग्लूकोज होता है बॉडी का वो पहले पायरोवेट में चेंज हो जाता है फिर पायरोवेट या पायरो एसिड से वो अगेन बदलता है लैक्टिक एसिड में ओके okay? और लैक्टिक एसिड प्लस क्या निकलती है एनर्जी और वो एनर्जी भी कितनी होती है ट्वेंटी वन किलोग्राम कैलोरी एनर्जी ओके तो इस तरीके से बच्चों हमने देखा कि जो हमारा पूरा प्रोसेस है ये रिस्परेशन का एक कंप्लीट हुआ और ये दो टाइप का मे रिस्परेशन हमने पढ़ा सेलुलर लेवल पे एक एरोबिक और दूसरा एनारोबिक एरोबिक में क्या हुआ कि ग्लूकोज प्लस कार्बन डाइऑक्साइड ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन इसका ऑक्सीडेशन हुआ फूड का और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर प्लस एनर्जी निकली सिक्स हंड्रेड सेवेंटी थ्री किलो किलो एनर्जी और ये होता कहाँ पर है एक्चुअली लिए ये होता है हमारे सेलुलर लेवल पे माइटोकांड्रिया में ओके सेल के माइटोकांड्रिया में लेकिन जो क्या कहते हैं कि इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होता है वो होता है एनारोबिक रेस्पिरेशन वो दो टाइप का मैंने बताया आपको एक तो फंगस के थ्रू जबकि ग्लूकोस पहले चेंज होगा पाइरूवेट में पायरोवेट का प्रोसेस जो होगा उसको पलाएँगे फर्मेंटेशन प्रोसेस और इसके थ्रू क्या होता है जो गन्ने की शुगर होती है ना वो भी इसी तरह चेंज होती है और वो गन्ने की शुगर से हम क्या बना देते हैं सिरका बना देते हैं यानी कि थाइल अल्कोहल या इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगी प्लस ट्वेंटी वन किलो कैलोरी क्यलो एनर्जी निकलेगी और अगर हमारे आ, मस्कुलर सेल्स में होगा तो क्या बनेगा पाकि ग्लूकोज से पायरोवेट पायरोवेट से फिर लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी और वो भी उतनी होगी ट्वेंटी वन किलो कैलोरी एनर्जी अब ये मेनली आपने डिफ्रेंस समझा कि एनारोबिक रिस्प्रेशन में कम एनर्जी निकलती है ट्वेंटी वन किलो कैलोरी एनर्जी पर एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन है जबकि यहां पर जो है सेलुलर लेवल पे जो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है इसको बोलेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन पे प्रेजेंस है ऑक्सीजन की और इस समय जो ग्लूकोज से पायरोबिक रहा है वो कहां ये प्रोसेस पूरा चल रहा है माइटोकॉन्ड्रिया की की माइटोकॉन्ड्रिया में और यहां एनर्जी ज्यादा निकलती है निकलती है लगभग सिक्स किलो कैलोरी एनर्जी ओके okay? और स्प्रेशन का प्रोसेस आपको समझ में आ गया जो सिंपल ब्रीदिंग है कि पहले एयर कहा जाएगी नेजल कैविटी में हवा हम न, हम लोग खींचते तो नाक नाक में जाती है नाक के बाद कहा जाती है हमारी छाती में जाती है थोड़ा सी कैविटी होती है थोड़ी कैविटी के अंदर इंटरकोस्टल इंटरकोस्टल मसल्स मसल्स हैं और उन से हवा अंदर भरती है जाके जब हवा अंदर भरती है तो नीचे की तरफ क्या होता है यहाँ पर डायाफ्रैम है ये डायाफ्रैम क्या करता है जब हम हवा अंदर खींचते हैं तो डायाफ्रैम जो है वो नीचे की तरफ खिसकता है और इसका वॉल्यूम बढ़ जाता है ये थोड़ा कैविटी का इसके अंदर एयर खिंच जाती है इसके अंदर ऑक्सीजन होती है वो ऑक्सीजन हमारी एलविलोईज में भरती है बलून की तरह होता है हमारा लंग्स उसके अंदर भर जाती है फिर वहाँ से छोटे छोटे एलवीलुज होती है ये एल्विलोइज दिखाए गए हैं, इनसे जो है ऑक्सीजन ले, ले लेता है हमारा ब्लड और कार्बन डाइऑक्साइड इसको दोबारा दे देता है और फिर वो कार्बन डाइऑक्साइड वाला ब्लड जो होता है ब्लड जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर होती है वो दोबारा से ये डायाफ्राम जो है वो ऊपर की तरफ खिसकता है तो ऊपर की तरफ खिसकेगा तो क्या यहाँ का वॉल्यूम कम हो जाएगा थोड़ा सी कैविटी का और फिर ये जो कार्बन डाइऑक्साइड वाली एयर है हम सिंपल नेजल कैविटी से हम अपने नाक नाक से दोबारा बाहर निकाल देते हैं तो बच्चों आई होप दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस होल वीडियो एंड वेरी वेल एंड प्लीज़ कीप वॉचिंग दिस वीडियो एंड शेयर माई वीडियोज़ ऑल्सो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल ओके दैन टिल एन बाय